मारुति सुजुकी जिमी ने भारत में चल रहे ऑटो एक्सपो 2023 में अपने फाइव डोर जिमी को लॉन्च किया है। मारुति सुजुकी ने नए फॉक्स सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के साथ जिमी को शोकेस किया है। नई मारुति सुजुकी जिमी में 1.5 लीटर के 15B पेट्रोल इंजन लगा है, जो 6000 आरपीएम पर 103 bhp का मैक्सिमम पावर और 4000 आरपीएम पर 134.2 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इसे 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन या 4 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ जोड़ा गया है। एसयूवी में लो रेंज गियर के साथ मारुति सुजुकी का ऑल ग्रिप प्रो 4WD सिस्टम भी मिलेगा। इसे दो वेरिएंट जेटा और अल्फा में लॉन्च किया गया है। यह 8 कलर में अवेलेबल है, पर्ली वाइट, काइनेटिक येलो, ग्रेनाइट ग्रे, सिजलिंग रेड विद मिडनाइट ब्लैक रूफ, सिजलिंग रेड, ब्लेश ब्लैक और नेक्सा ब्लू और ग्रीन कलर के साथ पेश किया गया है। मारुति की रफ एंड टफ एसयूवी 9 इंच के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ आती है, जो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले को सपोर्ट करता है। इसमें ऑटोमेटिक LED हेडलाइट्स, हेडलैम्प वॉशर, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, एक हेडलैम्प वॉशर, क्रूज कंट्रोल और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी दिया गया है। सेफ्टी के लिए मारुति सुजुकी जिमी 6 एयरबैग के साथ आती है, जो इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम ESP, ब्रेक असिस्ट, हिल असिस्ट, पार्किंग सेंसर और एक रियर व्यू कैमरे के साथ आती है। उम्मीद है कि नई जिमी की शुरुआती कीमत 10 लाख रुपये से एक्सोरूम से स्टार्ट होगी। एक बार लॉन्च होने के बाद यह महिंद्रा थार और फोर्स गोरखा जैसी अन्य ऑफ रोड SUVs को टक्कर देगी।